मंत्र जाप अगर आप करते हैं तो फिर कैसे मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से, गलत उच्चारण से आप मंत्र जाप करते हैं तो ये आपके लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मंत्र जाप से होने वाले फायदों की, साथ ही गलत उच्चारण से किया गया मंत्र जाप आपके जीवन में क्या कुछ असर डाल सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, मंत्रोच्चारण तो बहुत सारे लोग करते हैं और मंत्र जाप करते हैं, घंटों पूजा करते हैं, लेकिन कहते हैं उसका फायदा हमें तब भी नहीं होता, क्या वजह है? देखो, सही बात यह है, भगवान राम भी कहते हैं कि मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। सवरी से जब मिलते हैं और सवरी उनसे अपना अनुनय विनय करती है तो सवरी से अपनी नवधा भक्ति, नौ प्रकार की भक्ति भगवान राम बताते हैं, जिसमें पांचवी प्रकार के भक्ति में उन्होंने मंत्र जाप को ही बल दिया है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, जो वेद से प्रकाशित सत्य है वह यह है कि मंत्र जप जो है हमें परम प्रिय है। तो कहने का मतलब कि मंत्रोच्चारण से शरीर में ऐसी कंपन होती है जिससे चेतना जागृत होती है। कुछ मंत्रों से जीभ, होंठ, तालु और शरीर के अन्य जोड़ों पर प्रेशर पड़ता है। मंत्र से निकलने वाली कंपन या वाइब्रेशन, जो भी आप कहें, हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि को उत्तेजित करती है, जिससे मन खुश रहता है और इम्यूनिटी बढ़ती है। मंत्र जाप से एकाग्रता बढ़ती है, हृदय स्वस्थ रहता है, डिप्रेशन दूर होता है। मंत्र जाप के कंपन से चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे चेहरे की चमक बढ़ जाती है। मंत्र जाप में सांस लेने और छोड़ने की विधि में अस्थमा में आराम मिलता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गलत उच्चारण से मंत्र जाप आप पर कितना बुरा प्रभाव डाल सकता है। धीरे धीरे बोलकर मंत्र जाप करना सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। ऐसा मंत्र जाप जो मन ही मन किया जाए, जिसमें ना तो मंत्र जपते समय व्यक्ति की जीभ और ओठ हिले, ऐसे मानसिक जाप को सबसे उत्तम माना जाता है। मंत्र में जरूरत से ज़्यादा और जोर देकर शब्दों का उच्चारण करने से पूरे मंत्र का प्रभाव ही खत्म हो जाता है। गलत उच्चारण से हमारे शरीर का औरा और घर का माहौल खराब हो जाता है। गलत उच्चारण चिंता और रोग को बढ़ा देता है। मंत्र जाप के समय बार बार हिलना, बोलना और क्रोध करना, ये भी बुरा प्रभाव डालता है। एक छोटी सी घटना आपको बताऊं। एक गुरुजी के पास एक शिष्य आया करता था। गुरुजी बार बार अपने प्रवचन में कहा करते थे, जो लोग दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम, मतलब जो मनोकामना मन में उभरती है वो तत्काल पूरी हो जाती है। तो गुरु जी का एक भक्त था, उसने जा कर के दुर्गा सप्तशती की पुस्तक ले कर के और विधिवत कवच का पाठ शुरू कर दिया। 6 महीने तक कवच का पाठ किया। 6 महीने के बाद उसकी पत्नी का देहावसान हो गया, उसकी पत्नी मर गई। फिर वो गुरु जी के पास आया, गुरु जी से कहा कि गुरु जी, आपने कहा था कि जो लोग कवच का पाठ करते हैं उनके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आती, संग्रामे संकटे चाहे वह विघ्नस्तस्य न जायते, ऐसे लोगों के जीवन में कभी विघ्न नहीं आता है और ऐसा लिखा भी हुआ है कवच में। तो गुरुजी, मैंने तो जब किया मेरी पत्नी समाप्त हो गई। तो गुरुजी ने कहा, भैया बताओ कैसे कैसे तुमने पाठ किया। तो पाठ तो उसे मुहजवानी याद हो गया था, उसने पाठ बोलना शुरू किया। तो उसने कहा, भार्या रक्षत भैरवी, भार्या भक्षत भैरवी, भार्या रक्षत भैरवी जो है उसकी जगह उसने कहा भार्या भक्षत भैरवी। गुरुजी ने कहा, देखा आपने, आप ही तो उसके मृत्यु के कारण हैं, भार्या रक्षत भैरवी की जगह आप जो है भार्या भक्षत भैरवी कह रहे हैं, भार्या का भक्षण भैरवी करें।
तो इस तरह से कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में लोग किताबों को न देख करके और मुहजबानी मंत्रों को पढ़ने लगते हैं और उसमें कोई गलत शब्द जबान पर चढ़ जाता है तो वो बार बार गलत मंत्र ही निकलता है। इसलिए मैं अपने दर्शकों से एक आग्रह करूँगा कि जब भी आप कोई मंत्र पढ़ें तो किताब सामने रखें, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के संपूर्ण रूप से बिना किताब देखे मंत्र पाठ न करें। थोड़ी सी भी एक अक्षर की भी भूल चूक, एक अक्षर का भी आगे पीछे होना ये नुकसानदेह हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कर्मकांड दुधारू तलवार है, सीधा चले तो दुश्मन को मारे, उल्टा चले तो अपने को मारे। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में होकर के केवल एक मंत्र ऐसा है जिसको आप चाहे जैसे जप करिए, उसका नुकसान नहीं है। भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। भाव कुभाव अनख आलसहूँ, भाव से कुभाव से अनायास या आलस से बस चाहे जैसे उस मंत्र का जप किया जाए तब भी चारों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। वो क्या है? नाम। नाम क्या है भाई? नाम है ओम। ओम जो मंत्र है ये नाम है। अनहद नाद पर इसका धुनकारा चलता है और इसी को सुन करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। ओंकार एक ऐसा मंत्र है जिसके जप से कभी अरिष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति नहीं होती है। जय माँ विंध्यवासिनी।